1200 हम तो यही कहना चाहेंगे जो इस विश्वविद्यालय में 19 से लेके आज तक कोई परीक्षा नहीं और सारे विद्यार्थी का भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन बार बार यही कहता है कि हमारे पास रुपया नहीं है जो हम मूल्यांकन का कॉपी छपाएंगे। अब बताइए जो संस्कृत का विद्यार्थी कहाँ जाएगा, इसका तो उम्र भी एक्सपायर कर गया, यूनिवर्स प्रमाण पत्र भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो नौकरी नहीं भी होगा। बगल में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान लगमा एक ग्राम है, वहाँ पर एक कॉलेज है, वहाँ एकदम सेशन चल रहा है। जो विद्यार्थी अभी आचार्य में है, वहाँ 2 साल पहले आचार्य कर चुके हैं, उससे तो सीनियर हो गए ना। इसका विद्यार्थी न STET में फॉर्म भर सकता है, न TET में भर सकता है, अभी UP में TGT का फॉर्म निकला है, नहीं भर सकता है क्योंकि 19 का सेशन है। इससे क्या करेंगे तो आप क्या कहें जो VC के आवास के बाहर आत्महत्या करने के लिए तैयार है। संस्कृत के छात्र हैं, उसके ऊपर भी संस्कार का दबाव आता है। हम लोग विद्रोही काम कर नहीं सकते हैं शिक्षकों के द्वारा। उन लोगों का वेतन है 2.5-3 लाख रुपया, वो अपना कमाते हैं खाते हैं, उनको कोई भी प्रकार का परेशानी नहीं छात्रों को लेकर। लेकिन हम लोग का जिंदगी बर्बाद हो रहा है, इस बात से उनको जरा भी तकलीफ नहीं है। अब उत्तर पुस्तिका के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रेस में दिया गया था, व्यवस्था हो गई थी, लेकिन अचानक वहाँ से आ गया कि हम नहीं कर सफाई कर पाएंगे, इसलिए परीक्षा बढ़ानी पड़ी और उत्तर पुस्तिका की व्यवस्था हो रही है। 30 तारीख तक टेंडर का समय दिया गया है, उसके बाद परीक्षा होगी, तो इसमें 15 अगस्त के बाद ही अब परीक्षा हो सकेगी। स्टेशनरी तो जो है सो है उत्तर पुस्तिका से, कॉपी आंसर बुक वो नहीं छपा, उसकी छपाई तो लाख में होती है, नहीं हो पाई, इसलिए 2020 तक सभी परीक्षाएं हो चुकी हैं, उसके बाद 2021 तक परीक्षा होगी। शास्त्री आचार्य